Good morning, students. I am Sheena Vada from Lal Public School, JMP. आज आप लोग ट्यूजडे है, ट्यूजडे को आप लोग अपनी गूगल फॉर्म आते हैं तो आप लोग उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से. क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछ सकती है कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है. तो आप उस क्वेश्चंस को एक रफ नोटबुक लेकर के बैठेंगे और उसमें सॉल्व करने के बाद क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो आप उसके बाद फिर उसमें टिक करेंगे. थर्ड थिंग कि आप लोग अपने वर्क प्रॉपरली सेंड करें क्योंकि थर्ड चैप्टर हमारा 8 कंप्लीट हो गया, 9 कंप्लीट हो चुका है, 10 भी आज कंप्लीट हो जाएगा. आपके 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अपना वर्क प्रॉपरली आप लोग सेंड करें, ठीक है. सो गुड मॉर्निंग अगेन. एक्सरसाइज 10.1 हम लोगों ने कल डिस्कस करी थी, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड थी. हमने उसके अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब तरीके की क्वेश्चंस हमने उसके अंदर सॉल्व किए, ठीक है. बट आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 10 के अंदर, आज जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक डिफरेंट टाइप्स की क्वेश्चंस पढ़ेंगे. वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ बिल्स. आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? प्रिपरेशन ऑफ बिल्स. बिल्स को कैसे तैयार किया जाता है. जनरली हम लोग जब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग शॉप्स पे जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, कभी आप लोग मार्केट गए हैं तो आप लोग अगर यदि उनके साथ कुछ चीजें खरीदते हैं जैसे कि आप लोग ग्रोसरी आइटम्स खरीदेंगे, ठीक है, ग्रोसरी आइटम्स हम जब खरीदते हैं तो वो हमें एक बिल बना करके देता है, ठीक है, जो कंप्यूटराइज नहीं होता, केवल हैंडमेड बिल्स होते हैं. तो उसमें क्या करते हैं, जितना हमने सामान खरीदा है उससे उसकी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग वो लोग बिल्स बनाते हैं. और आजकल कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी का जमाना है तो कंप्यूटराइज बिल्स बनते हैं. तो आप लोग देखते हो कि उसमें हैंडमेड्स की जरूरत नहीं होती, ना ही कोई व्यक्ति एक जना बिल बनाने को लगा रहता है, ठीक है. कंप्यूटर के लिए एक व्यक्ति खड़ा रहता है, उसी के ऊपर वो बिल बन जाता है. लेकिन वो बिल बनता कैसे है? आप लोगों के माइंड में कभी क्वेश्चन आता होगा कि मम्मी पापा या दादा कैसे उस बिल को पेमेंट करते होंगे, कैसे उसके अंदर एक्यूरेसी आती है, ठीक है. तो वो चीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस तरीके से बिल को बनाया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ओके. तो फर्स्ट देखिए आपका पेज नंबर 52 है. पहले हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे पेज नंबर 52, ठीक है. 52 के अंदर आप देखेंगे एक बिल बना, बिल का कैश बना जिसे कहेंगे बिल या कैश मैनेजमेंट, ओके. तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बट नाउ यस, बिल एंड कैश मैनेजमेंट, ठीक है. आप अपने बुक में सामने रखिए 52 पेज नंबर देखिए. एक स्क्वायर बॉक्स बना हुआ होता है, इसके अंदर आपको एग्जाम में आपके पास आइटम्स दिए हुए होंगे, उनकी क्वांटिटी दी हुई होगी, रेट दिया हुआ होगा, ठीक है. तो आपको उसी हिसाब से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ओके. ये आपका इस तरीके से बना हुआ है जिसमें बिल नंबर लिखा हुआ है. आपने शॉपकीपर के पास देखा होगा एक तरीके की बुकलेट होती है जिसमें से वो बिल नंबर और बिल काट करके देता है, उसमें उसका बिल का शॉप का नाम लिखा हुआ होता है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है नरेश ग्रोसरी, नरेश ग्रोसरी स्टोर, ठीक है. ये एक शॉप का नाम हो गया जो कि इसकी बिल पर भी लिखा हुआ होता है. इसके बाद उसका एड्रेस दिया जाता है, डेट हम डालते हैं, डेट का कॉलम दिया हुआ होता है, तो डेट मेंशन करता है कि कौन सी डेट में आपने सामान खरीदा. जैसे यहाँ पे 2015, ठीक है. ये सारी चीजें जो मेंशन होती हैं, नेम एंड एड्रेस वो उसका आ जाता है. ये कंपलसरी नहीं होता है, नेम एंड एड्रेस अगर यदि कंप्यूटर में होता है तो जरूर हम डालते हैं, उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी आ जाता है. और भी कई सारी चीजें होती है जो कि हम मेंशन करते हैं, ठीक है. अब देखिए यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है सीरियल नंबर, ठीक है. सेकेंड जो कॉलम बना हुआ है वो आइटम से रिलेटेड बना हुआ है कि नेम ऑफ द आइटम, आपने क्या क्या आइटम्स खरीदे, ठीक है. थर्ड जो कॉलम बना हुआ होता है वो रेट का होता है.
कि पर आइटम कितने रेट है उसकी, ठीक है। फोर्थ कॉलम बना हुआ आपका क्वांटिटी का, कि आपने कितनी क्वांटिटी में सामान खरीदा, ठीक है। और जो लास्ट कॉलम होगा वो क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। अब कौन कौन से आइटम खरीदे, फर्स्ट जो आइटम खरीदा गया है बेटा, बहुत फर्स्ट जो आइटम खरीदा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे क्या है, राइस, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे हमने क्या क्या आइटम खरीदा, फर्स्ट पे राइस, सेकंड पे शुगर, ये जनरल आइटम है, आपको ध्यान आ रहा होगा कि आप पापा मम्मी के संग जाते हैं तो यही आइटम खरीदते हैं। थर्ड नंबर पे टी, चाय पत्ती, एंड फोर्थ नंबर पे चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर, ठीक है। ये किचन रिलेटेड आइटम्स हो गए, तो ये चार आइटम्स खरीदे। अब इसके हम रेट देखेंगे कि राइस की रेट क्या है, 50 रुपीज 25 पैसे, मतलब 50 रुपीज 25 पैसे पर केजी का, एक केजी का है। 30 शुगर है 33 रुपीज की, ठीक है। टी का क्या है, 320 रुपीज 320 रुपीज। रेड चिली पाउडर 180 रुपीज, ये पर केजी के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्वांटिटी देखनी कि हमने कितने क्वांटिटी में सामान खरीदा है, ठीक है। राइस हमने कितने किलो लिए, 3 केजी, ये इसकी क्वांटिटी हो गई, केजी में जो दिया हुआ है वो उसकी क्वांटिटी होती है। शुगर 5 केजी लिया हमने, टी जो हमने खरीदा है 1 केजी खरीदा है, ठीक है। रेड चिली पाउडर जो खरीदा है वो भी 1 केजी खरीदा है, ठीक है। जो आपको जो क्वांटिटी दी गई है वो 1 केजी के हिसाब से दी है, लेकिन राइस हमने कितने खरीदे हैं, 3 केजी, लेकिन 1 केजी का रेट क्या दिया हुआ, 50 रुपीज 25 पैसा। तब अब हमें 3 केजी का, हमें जो 3 केजी के हमें अमाउंट निकालना है कि 1 केजी का यदि 50 रुपीज 25 पैसा है तो 3 केजी का कितना हुआ, तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 50 रुपीज 25 पैसे को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, देखिए 3 5 15 5 carry off 1 3 2 6 1 7, या आप अपने भी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, 3 0 0 और 3 5 15, ये क्या हो गया, 150 रुपीज 75 पैसा, ठीक है। इसी तरीके से हमने शुगर का निकाला है, 33 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 5, कि मतलब 5 को 33 से मल्टीप्लाई करना है, तो रुपीज का कॉलम अलग होगा, ये देखो या तो ऊपर बना लीजिए, ये रुपीज का कॉलम है और इधर पैसे का कॉलम है, तो ये तो क्या है, इसमें 33 रुपीज में ही वैल्यू दी हुई है, पैसे में कुछ नहीं है, तो आप पैसे में 0 मेंशन कर सकते हो। 5 3 15 का 5 carry off 1 5 3 15 और 1 16, मतलब 165 रुपीज की शुगर हमें मिलती है। नेक्स्ट है टी, टी क्या है, 320 रुपीज का 1 केजी है, तो 320 को यदि मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम वैल्यू आएगी, 320 रुपीज और पैसे में 0 0। रेड चिली पाउडर 180 रुपीज का, केजी कितना है 1, तो 180 रुपीज ही रहेगा और पैसे में क्या हो जाएगा, 0 0। अब जो लास्ट कॉलम बनेगा, क्योंकि हमारे पास सारी क्वांटिटी खत्म हो चुकी है, ठीक है, मतलब कि सभी का हमने निकाल दिया है, लास्ट जो होगा वो टोटल का कॉलम होगा, किसका होगा, टोटल, जो आपने रुपीज और पैसे का निकाला है इसको हम प्लस कर देंगे 5 7 2, ये तो पैसे हो गए। अब रुपीज में करेंगे तो 5, फिर 8 और 6 14 14 और 5 19 का 9, कैरी आउट 1 1 2 3 3 और 3 6 और 1 7, वापिस से देखिए 5, ठीक है, 8 और 2 10 10 और 6 16 16 और 5 21, सर 21 का 1, कैरी ऑफ 2, 3 और 1 4 और 1 5 6 6 और 2 8, क्या हो गए, हमारे पास जो टोटल पेमेंट करना है 815 रुपीज 75 पैसे का अमाउंट का पेमेंट करेंगे, ओके।
तो आप ये देखेंगे कि 815 रुपीस 25 पैसे का आप अमाउंट का पेमेंट करेंगे. इज दैट क्लियर? ये हमारा एक बिल तैयार हो चुका है. ठीक है, ये हम क्या कर चुके हैं, एक हमारा बिल रेडी हो चुका है. इज दैट क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा कि बिल कैसे रेडी करते हैं? इफ एनी डाउट, नेक्स्ट बिल वी विल डिस्कस हियर. ओके, फर्स्ट बिल कंप्लीटेड. सेकंड बिल देखिए, पे नंबर 53. एग्जांपल फर्स्ट दिया हुआ है. क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं? रूपचंद रेसिडेंट ऑफ पुष्कर हैज बॉट फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राजस्थान स्टेशनरी किशनगंज अजमेर. रूपचंद जो की कस्टमर है, ठीक है, जो कि कहाँ रहता है, पुष्कर में रहता है, उसने बहुत सारे आइटम्स खरीदे हैं, राजस्थान का रहने वाला है, स्टेशनरी आइटम्स खरीदे हैं किशनगंज अजमेर से. ठीक है, तो क्या क्या आइटम्स खरीदे हैं, आपको क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है. आपको बिल बनाने को आएगा वहां पे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा. जैसे कि फर्स्ट आइटम उसने खरीदा 18 प्रैक्टिस नोटबुक, उसका रेट दे रखा है पर नोटबुक 4.75 रुपीज. सेकेंड आइटम खरीदा 1 ज्योमेट्री बॉक्स एट द रेट ऑफ 32 रुपीज, 10 पेंसिल एट द रेट ऑफ पर पेंसिल 1.25 रुपीज. ओके, फोर्थ आइटम 5 पेन एट द रेट ऑफ 18 रुपीज पर पेन. फिफ्थ आइटम 1 लीटर गम एट द रेट ऑफ 90 रुपीज 25 पैसा. 12 रजिस्टर एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर रजिस्टर. 5 डायरीज एट द रेट ऑफ 60 रुपीज पर डायरी. आपको जहाँ पे 1-1 आइटम खरीदे हैं वो तो हमें पता ही चल रहा है, ठीक है, और जो ज्यादा आइटम्स खरीदे हैं उसके आगे लिखा है पर आइटम जो कॉस्ट दे रखा है. ठीक है, तो आप देखिए बिल नंबर आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ है. बिल नंबर हमने डाला कुछ भी 124 लिखा हुआ है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा उसका राजस्थान स्टेशनरी. बिल किस नाम से बनेगा? राजस्थान स्टेशनरी के नाम से. स्टेशनरी के नाम से ये बिल बनेगा. डेट आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप डेट डालना चाहें, ठीक है, वो आप डेट मेंशन कर देंगे और रुपीज और पैसे का जो है वो आप कॉलम्स बना लेंगे. आपके जो आइटम्स हैं आइटम आ जाएंगे, क्वांटिटी में क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है, रेट में रेट आ जाएंगे, आइटम्स में हम आइटम्स लिखेंगे कितने आइटम्स खरीदे उसने. ठीक है, टोटल 7 आइटम्स खरीदे, तो आपको बहुत ही ध्यान से बनाना पड़ेगा थोड़ा सा. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट आइटम हम इसके अंदर मेंशन करेंगे. आप नेम एंड एड्रेस में, नेम में उसका नाम आ जाएगा रूपचंद, जो कि पुष्कर का रहने वाला है, आप लिख देंगे रूपचंद और पुष्कर. ठीक है, फर्स्ट आइटम हम लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं. फर्स्ट नंबर पे उसने खरीदा प्रैक्टिस नोटबुक. ठीक है, प्रैक्टिस नोटबुक. बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं कि इस तरीके के बिल बनाने. नोटबुक मैंने शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि स्पेस कम है. ठीक है, प्रैक्टिस नोटबुक, इसकी रेट कितनी दे रखी है? 4 रुपीज 75 पैसे. क्वांटिटी उसने कितनी खरीदी है? 18 प्रैक्टिस नोटबुक लिए. ठीक है, हम लास्ट में मल्टीप्लाई कराएंगे, पहले आइटम्स लिख लेते हैं. सेकेंड आइटम उसने क्या खरीदा? ज्योमेट्री बॉक्स. उसने सेकेंड आइटम क्या खरीदा? ज्योमेट्री बॉक्स. ठीक है, जो आप लोग यूज में लेते हैं. कितनी कॉस्ट है? 32 रुपीज. कितना खरीदा? 1 क्वांटिटी है इसकी. तो थर्ड जो है आइटम जो उसने खरीदा, पेंसिल्स. ठीक है, पेंसिल्स खरीदी है. पेंसिल्स कितनी ली है और कितनी रेट है? 1 रुपीज 25 पैसा. ठीक है, पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है? 1 रुपीज 25 पैसा. कितनी खरीदी है? 10 रुपीज की, सॉरी 10 क्वांटिटी है. फोर्थ देखिए आइटम क्या खरीदा उसने, पेन.
क्या खरीदा है? पेन। फिफ्थ आइटम उसने खरीदा है गम। सिक्स्थ आइटम उसने खरीदा है रजिस्टर। सेवेंथ आइटम उसने खरीदा है डायरी। ठीक है, अब आप देखिए इसकी रेट, पेन की रेट कितनी हो गई? 18 रुपीज। ठीक है, इसके बाद क्वांटिटी कितनी हुई? 5। कितनी क्वांटिटी हुई इसकी? 5। अब गम की देखिए, 90 रुपीज 25 पैसा। गम कितना? 90 रुपीज 25 पैसा। ठीक है, कितनी क्वांटिटी है? 1 है। अब रजिस्टर देखिए कितने खरीदे उसने? 30 रुपीज। रजिस्टर 30 रुपीज का है। कितने रजिस्टर खरीदे उसने? 12 रजिस्टर खरीदे। एंड लास्ट डायरी 60 रुपीज की है। ठीक है, और कितने खरीदे? 5। अब आप देखिए यहाँ पे तो ये क्वांटिटी हो गई इसकी, अब हम इसका अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हुआ, आप मल्टीप्लाई रफ में भी कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब कभी भी अमाउंट लिख रहे हैं तो रुपीज अलग होगा और पैसे अलग करेंगे, दोनों को मिक्स नहीं कर देंगे। ठीक है, 4 रुपीज 75 पैसा कॉलम बना लीजिए। ठीक है, या तो इस तरह समझ लीजिए, रुपीज और 75 पैसा, सॉरी पैसे का कॉलम है, रुपीज में 4 और पैसे में 75। ओके, मल्टीप्लाई किससे होगा? 18 से। या तो आपको 18 की टेबल आती हो, 8 5 40 का 0 कैरी ऑफ 4, 7 8 56 प्लस 4 60 का 0, 6 8 4 32 32 में हमने 6 प्लस किए 13। ठीक है, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही डिजिट आएगी। 1 को 5 से किया 5 7 4, इसको हम प्लस कर देंगे 0 5 8 प्लस 7 15 का 5 कैरी ऑफ 1, 3 प्लस 1 4 4 प्लस 4 8। तो अब देखिए रुपीज कितने डिजिट पर आता है और पैसे कितने, तो कितने हो जाएंगे? 85 रुपीज 50 पैसा। ठीक है, हमारे पास अमाउंट क्या हो गया? 85 रुपीज 50 पैसा। यहाँ पे आप रुपीज लिख दीजिए और ऊपर पैसे का फॉर्म। 30 रुपीज का ज्योमेट्री का ये खरीदी है, 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रुपीज में ही आएगा 32 रुपीज, पैसे में 0 0। अब देखिए पेंसिल्स है, पेंसिल्स 1 रुपीज 25 पैसे की है और 10 है, तो आप 1 रुपीज 25 पैसे को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, फिर यहाँ पे भी 0, 1 को 5 से करेंगे 5 2 1, तो 0 5 2 1, तो कितना हो गया? 12 रुपीज 50 पैसा। 12 रुपीज 50 पैसा। 18 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि सिंगल डिजिट है, आप मल्टीप्लाई करा सकते हो, 18 5 90 तो 90 रुपीज, और पैसे में 0 0, इसी तरीके से होगा। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है 90 रुपीज, गम उसने जो खरीदा 90 रुपीज 25 पैसे का, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 90 रुपीज 25 पैसा। अब 30 को 12 से करेंगे, रजिस्टर कितने का खरीदा? 30 रुपीज का, 12 रजिस्टर खरीदा, 12 3 36 36 और 1 0, तो 360 रुपीज, क्योंकि ये रुपीज में ही है तो रुपीज में ही आ जाएगा, पैसे में 0 0। अब 60 रुपीज ही रुपीज में, पैसे नहीं है, तो 5 6 30 और 1 0, पैसे में 0 0। अब यहाँ पे जो लास्ट कॉलम होगा वो आपका टोटल का होगा, आप टोटल कर देंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं 5 5 प्लस 5 10 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी आउट 1, 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 2 10 का 0 कैरी आउट 1, 8 प्लस 1 9 9 प्लस 3 12 12 प्लस
8 + 1 9 9 + 3 12 + 1 13 13 + 6 9 9 + 1 9 or 9 18 8 + 1 9 or 3 12 + 13 13 + 9 + 3 21 21 + 9 + 3 31 31 + 6 + 8 37 + 7 carry out 3 or 3 9 6 6 + 3 9 970 rupees 50 paisa क्या जाएगा 970 rupees 50 paisa ये रुपीस का हो गया और साइड में पैसे के हो गया. Is that clear? If you have any doubt, anyone? Okay, exercise 10.2 we are discussing here. Same patterns we will make the bills. हम लोग क्या बनाएंगे इसके अंदर बिल्स बनाएंगे. आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाएगा. आप देख लीजिए कि 10.2 में क्वेश्चंस दे रखे हैं. इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. केवल 10.2 में दो ही क्वेश्चंस हैं बिल बनाने के लिए. ओके, तो एक्सरसाइज 10.2 पेज नंबर 54. Yes. Question number 1. Hemant bought 8 kg of milk at the rate of 40 rupees to 25 paisa. उसने एक शॉप से 8 लीटर मिल्क खरीदा है, 8 kg of milk खरीदा है, जिसकी कॉस्ट है 40 rupees 25 paisa. 3 kg of curd, rate of 60 rupees per kg. 2 kg of ghee at the rate of 450 rupees. पर केजी एंड 5 लीटर ऑफ बटर मिल्क एट द रेट ऑफ 20 रुपीस 75 पैसा. बिल नंबर दे रखा है. देखिए क्वेश्चन में आपको डेट दे रखी है और प्रिपेयर अ बिल विद अबव इंफॉर्मेशन. ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बिल रेडी करना है. ठीक है, अब देखिए आपको आइटम्स दिया हुआ है, कस्टमर का नाम दिया हुआ है. ठीक है, कस्टमर कौन हो गया? हेमंत हो गया. आपको बिल नंबर भी दिया हुआ है, आप लोग बिल रेडी करिए. एक क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे. ठीक है, सॉल्व करके रखिएगा, मैं आपसे पूछूंगी. पहले फर्स्ट क्वेश्चन समझ लीजिए. बिल नंबर देखिए ऊपर की तरफ आता है. बिल नंबर 428. ठीक है, यहाँ पे शॉप का कोई भी नाम नहीं दे रखा है, तो आप कोई सी भी शॉप का नाम लिख सकते हैं. ठीक है, डेट आप डालेंगे, डेट आपको दी हुई है 29/10/2015. ठीक है, नेम आ जाएगा यहाँ पे कस्टमर का एंड एड्रेस. एड्रेस मेंशन नहीं किया हुआ है, केवल नेम दे रखा है, तो आप नेम ही लिखेंगे. क्या नाम है? हेमंत. कस्टमर का नाम क्या हो गया? हेमंत. अब आप क्या मेंशन करेंगे यहाँ पे? एक तो सीरियल नंबर का कॉलम आ जाएगा. क्या उसने आइटम्स परचेज किए? आइटम्स का कॉलम. ठीक है, रेट का कॉलम, कितनी रेट में आइटम है, क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी में सामान खरीदा जा रहा है और टोटल अमाउंट. ठीक है, तो हम सबसे पहले आइटम्स मेंशन कर लेंगे. फर्स्ट आइटम उसने क्या खरीदा? मिल्क. सेकंड आइटम उसने खरीदा है 3 kg ऑफ कर्ड. कर्ड खरीदा उसने. थर्ड आइटम उसने खरीदा है घी. फोर्थ आइटम उसने खरीदा है मिल्क, बटर मिल्क. फिफ्थ आइटम उसने खरीदा है बटर मिल्क के बाद उसने कुछ भी नहीं खरीदा, मतलब कि फोर आइटम हो गए.
उसने कितने आइटम परचेज किए? 4। अब इन सब की रेट लिखेंगे क्योंकि पर केजी के हिसाब से दिया हुआ है। 40 रुपीस 25 पैसा, कर्ड की रेट है 60 रुपीस पर केजी, 60 रुपीस पैसे में नहीं दिया हुआ है। घी उसने खरीदा है 450 रुपीस पैसे में नहीं दिया हुआ है। बटर मिल्क उसने 20 रुपीस 75 पैसा ये पैसे में दिया हुआ है। अब मिल्क की क्वांटिटी कितनी है? 8 केजी। कर्ड की आइटम क्वांटिटी है 3 केजी। घी की क्वांटिटी है यहाँ पे दे रखी है घी की 2 केजी। घी की क्वांटिटी 2 केजी। बटर मिल्क की क्वांटिटी दे रखी है 5 लीटर। ठीक है, अब आपको इसका टोटल अमाउंट निकालना है। जब पैसे में दिया हुआ हो, सिंगल दे रखा है, 8 की टेबल सबको आती है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा सकते हैं। 8 का 40 का 0 कैरी ऑफ हो, 8 टू 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी ऑफ टू, 8 0 का 0 0 में 2 प्लस 3 2 8 4 का 22। तो ये रुपीस का फर्क हो गया और ये पैसे का फर्क हो गया। नेक्स्ट देखिए, रूप पैसे में नहीं दे रहा था, 3 केजी को 60 से कराना है, 3 0 0 3 6 8 ये रुपीज में आ जाएगा, पैसे में 0 0। ठीक है, उसके बाद घी भी पैसे में नहीं दे रहा था तो रुपीज में, तो 2 0 0 2 5 10 0 2 4 8 1 9 900 रुपीज और पैसे में 0 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट देखिए बटर मिल्क आपको पैसे में दिया हुआ है, 5 लीटर है, 5 लीटर को पहले पैसे से करेंगे 75 पैसा, 5 5 25 5 ये पैसे में आ जाएगा। कैरी ऑफ 2 5 35 2 37 7 कैरी ऑफ 3 5 0 0 में 3 + 3 5 2 10 103 रुपीस। ये देखिए 20 वाला आप डेसिमल भी लगा सकते हो, मतलब डेसिमल से पहले वाला तो रुपीस और डेसिमल के बाद वाला पैसे। अब हम इसको टोटल में प्लस कर लेंगे। ओके, 5 7 3 2 5 8 + 2 10 0 कैरी ऑफ 3 + 1 4 + 1 5 5 + 1 6 6 9 15 मतलब कितने रुपीज हो गए? 1505 रुपीज 75 पैसा। Is that clear? If you have any doubt, you can ask me and continue on tomorrow. So, let me discuss your